नमस्ते फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देविका एंड वेलकम टू माय चैनल देविका हैप्पी होम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि दिवाली क्लीनिंग हमें करनी है और किस तरह से करनी है, हमको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, किस तरह से प्लानिंग करनी है, किस तरह से उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है और फाइनली किस तरह से चेकलिस्ट बना के अपने काम को अंजाम देना है। सो दिस वॉज अ क्लीनिंग डन बाय अस। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये भी बताया था कि आपको किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है। अगर आप वर्किंग हो तो आपको किस तरह से प्लान करना है, अगर आप घर पे रहते हो तो आप किस तरह से कर सकते हो, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, उसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं पार्ट टू। तो क्या है ये पार्ट टू? पार्ट टू में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें दिवाली की क्लीनिंग करनी है, घर साफ करना है, लेकिन हमें कोई एफर्ट्स नहीं लेने, हमें आराम करना है। हमारी बैक पेन होती है या हमें क्लीनिंग करना अच्छा नहीं लगता है या फिर क्लीनिंग के लिए हमारे पास टाइम नहीं है या कुछ भी वेरियस रीजंस है जिसकी वजह से हम हमारे घर को क्लीन नहीं कर पाते, लेकिन हमें घर क्लीन चाहिए तो हम क्या कर सकते। तो आइए देखते हैं कि हमें करना क्या है। सो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको आपके घर की क्लीनिंग करनी है, वो भी एक थर्ड पार्टी से। यस, अब क्या है ये थर्ड पार्टी? तो चलिए डिस्कस करते हैं ब्रीफ में इसके बारे में। तो ये जो थर्ड पार्टी होते हैं, ये लोग ये एक कंपनी होती है जिसको आपको कॉल करके आपके घर पे बुलाना है और आपके घर को साफ कराना है। फाइन, अब हम इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्ट क्या प्रोसेस होता है ये। तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो आपके घर को साफ करके देगी, आपको जैसा चाहिए वैसा। लाइक अगर दिवाली है, मुझे घर साफ करना है, तो जो भी रिक्वायरमेंट मेरी है घर क्लीनिंग की, वो सारी रिक्वायरमेंट्स मैं वहां से पूरी करके लूंगी। तो इसके लिए कुछ चीजें, सबसे पहली चीज, अगर मुझे घर साफ नहीं करना है, मतलब खुद से नहीं करना है या मेरे पास कोई है नहीं घर पे करने वाला, तो मुझे क्या करना है? मुझे ऐसी कंपनीज ढूंढनी है। लाइक व्हाट? सर्चिंग। यस, सीधा आप गूगल सर्च कीजिए या फिर आप जस्ट डायल में कॉल करके पूछिए, या फिर आप अगर जानते हो आपके आजू बाजू में कोई है, किसी ने आपको बताया हो, तो उसको फॉलो कीजिए। तो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करनी है एक ऐसी कंपनी जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करती है। तो एक बार आपने ये कंपनी फाइंड आउट कर ली, आपको क्या करना है, आपको गूगल सर्च करना है और आपको आपके आसपास में कौन सी ऐसी कंपनीज है जो आपको क्लीनिंग की सर्विस प्रोवाइड कर सकती है, ये आपको देखना है। और उसके बाद उसमें से अगर आप दो तीन कंपनियां चूज कर लो जो आपके घर के नियर बाय है, या फिर आप उनकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लो और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप कुछ सिलेक्शन कर लो, या फिर आप जस्ट डायल में कॉल करोगे और आप अपना एरिया बताओगे, तो उस हिसाब से आपको जस्ट डायल वाले बहुत सारी कंपनियों की लिस्ट भेज देंगे। अदर देन दैट, आप बाकी भी लोगों की, किसी ने क्लीनिंग करवाई हो या आपका कोई फ्रेंड हो, रिलेटिव हो जो आपको बताए, तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज, आपको कंपनी फाइंड आउट करनी है, ठीक है? आपने दो तीन कंपनी फाइंड आउट कर लेनी है, उसके बाद आप उनको कॉल करेंगे, आप उनको प्रोसेस पूछेंगे। उस सिमिलरली जब आप उनको पूछेंगे कि वो लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसी तरह से वो लोग भी आपको पूछेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको आपके घर की इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे कि आपका घर कितना बड़ा है, लाइक कितना स्क्वायर फीट का है या कितने रूम्स है उसके अंदर, या फिर आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या क्या क्लीन करके चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, आपको डीप क्लीनिंग चाहिए, आपको नॉर्मल क्लीनिंग चाहिए, या ऐसे बहुत सारे सवाल वो आपसे पूछेंगे। और कोई कोई कंपनीज, कोई कोई बहुत बड़ी कंपनीज है जो आपके इन आंसर के बेसिस पे आपके घर पे कोई सुपरवाइजर भेजेंगे जो आपका घर देख के जाएंगे, सुपरवाइज करके जाएंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि आपके घर का क्या बजट बनता है। तो ये पूरी प्रोसेस में आपको अगर कुछ करना है, सबसे पहले तो आपको एक कंपनी फाइंड आउट करनी है, सेकेंड थिंग आपको करना है उस कंपनी में कॉल,
और आपकी इंफॉर्मेशन उसको दे, आपको आपके घर की इंफॉर्मेशन देनी है ओनली, कितने रूम्स है, कितना एरिया है, प्लीज डोंट शेयर एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन विद देम, अदर देन दैट आपको कुछ भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, ओनली क्लीनिंग रिलेटेड जो भी वो लोग पूछते आप दो, आपके घर में कितने लोग हैं, कौन कौन है, कहाँ रहते, क्या करते, प्लीज ये सब कुछ उनके साथ आप डिस्कस नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद वो लोग आप या तो आपको सुपरवाइजर भेज के बाद में आपको कोटेशन देंगे, या फिर उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो आपको एक कोटेशन देंगे, उस कोटेशन में आपको एग्जैक्ट वो अमाउंट बताएंगे कि ये अमाउंट आपके पूरे घर का क्लीनिंग का होगा। तो आपको क्या करना है, आपको हो सकता है तो आप उनके साथ नेगोशिएट कीजिए, नहीं अगर वो नहीं नेगोशिएट करते तो फाइन, लेकिन जो भी डिटेल्स है आप फोन पे प्रॉपर डिस्कस कर लीजिएगा कि वो लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको करना है टाइम एंड डेट फिक्स। यस, आपको फोन पे वो लोग पूछेंगे आपको कब सर्विस चाहिए, और आपका और उनका दोनों का टाइम अवेलेबिलिटी मैच होगा तो वो एक दिन फिक्स हो जाएगा, और उसी दिन उस टाइम में वो लोग आपके घर पे आएंगे क्लीनिंग करने के लिए। सो अब आपको क्या करना है, एक बार आपने इंफॉर्मेशन दे दी, आपने डे फिक्स किया, आपने टाइम फिक्स किया, नाउ द डे हैज कम, आज के दिन मुझे क्लीनिंग करवाना है, आज के दिन वो लोग आने वाले हैं। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि क्लीनिंग करने से पहले आपको क्या करना है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यस, घर का कुछ भी काम करवाना है तो वो आप उसके पहले करवाइए। एक चीज और, ये जो कंपनीज होती है, ये कंपनीज ऐसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि दे प्रोवाइड्स कारपेंट्री सर्विसेज, प्लम्बर प्रोवाइड करते हैं, एसी सर्विसिंग देते हैं, या फिर पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं, या फिर शैम्पूइंग की जैसे सर्विस, जैसे कि आपका सोफा शैम्पू करना है, आपका कार्पेट शैम्पू करना है तो वो करते हैं, तो ये सारी चीजें वो लोग करते हैं। पेस्ट कंट्रोल करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी कहा था, तो ये सारी चीजें आप करवा लीजिएगा, अगर आप उनसे करवाते हैं तो उस हिसाब से आपका बजट डिसाइड होगा, लेकिन वो सब प्रायर होगा आपके क्लीनिंग के दिन के पहले, ओके। फिर आपका जो क्लीनिंग का दिन आता है उस दिन पे वो लोग सुबह का अगर आप टाइम देते हो, मे बी एक दिन तो पूरा जाता है उनको क्लीन करने के लिए, तो उस हिसाब से आप सुबह का टाइम दो उनको, और उनके आने से पहले आपको क्या करना है, अगर आप घर में कुछ लोग हैं जिनका खाना वाना बनना है, प्लीज सुबह उठ के आपको सबसे पहले खाना बना लेना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि पॉसिबल है तो ऐसे टाइम पे आप बाहर से खाना ऑर्डर कीजिए, पॉसिबल है तो, नहीं पॉसिबल है तो आप सुबह उठ के जल्दी खाना बना लीजिए, आपको घर का ही खाना चाहिए तो। सेकेंड चीज, आपको आपके घर की सारी वैल्यूएबल चीजें, कुछ भी है, कैश है, ज्वेलरी है, कुछ भी है जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, उनको आपको किसी ऐसी जगह पे रखना है कि वो सेफ रहे। सी दीज पीपल आर, ये जो लोग आते हैं ये कोई चोर उचक्के नहीं है, दे आर वेरी प्रोफेशनल, वो हर कंपनी में प्रोफेशनल लोग ही काम करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के आ गया, पर हमें हमारी सेफ्टी देखना जरूरी है, तो हमें क्या करना है, हमें हमारी ज्वेलरी, हमारी कैश, हमारा जो भी इंपॉर्टेंट सामान है उसको सेफली रखना है, या तो आप घर के बाहर कहीं पे किसी और के घर पे रख सकते हो, बैंक में रख सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो तो रखो, अगर आप घर के अंदर ही रख रहे हो तो मेक श्योर कि कोई एक सेफ लॉकर में आप लॉक करके अच्छे से रखो, जिसमें उनको क्लीनिंग के लिए आप मत भेजो, फाइन। तो थर्ड चीज ये है कि आपको आपका सेफ्टी देखना है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, जैसे ही वो लोग आते हैं वो लोग अपना क्लीनिंग स्टार्ट, तो उसके लिए आपको उनके आईडी कार्ड्स देखना जरूरी है, वो लोग यूनिफॉर्म में है कि नहीं वो देखिए, और फिर जैसे ही वो लोग आते हैं आप देखिए उनके पास प्रॉपर सामान सब कुछ है कि नहीं, छोटी मोटी चीजें शायद वो आपसे मांगेंगे, लाइक बकेट हो गया, सीडी लैडर हो गया, स्टूल हो गया, क्योंकि ये सारी चीजें वो लोग नहीं कैरी कर सकते तो शायद वो लोग आपसे मांगेंगे, तो आपको वो सारी चीजें रेडी रखनी है। उसके अलावा आपको करना कुछ नहीं, आपको रिलैक्स होना है, आपका घर साफ होता रहेगा और इवनिंग में आपके में मिलेगा एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा घर, जिसको बाद में हमको करना है डेकोरेट फॉर दिवाली, जिसका वीडियो हम बाद में देखने वाले।
वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से ये थर्ड पार्टी से क्लीनिंग करानी है। मैंने कुछ कंपनीज के नाम अगर मुझे कोई पूछता है तो मैं सजेस्ट करती हूँ, जैसे कि अर्बन क्लैब बहुत ही बड़ा कंपनी है, बहुत लोग जानते हैं और बहुत ही जाना माना है, तो मैं बेझिझक अर्बन क्लैब को वोट करूंगी कि आप अर्बन क्लैब में सबसे पहले जाइएगा अगर आपको जाना है तो। अदर देन दैट मेरे एक फ्रेंड का कंपनी है होम सॉल्यूशंस क्लीनिंग करके, जिसको मैंने बुलाया था और मैंने अपना घर एक बार उनसे साफ करवाया था एंड आई हैव गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट विद देम। सो मैं उनके जो भी डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आपको अगर उनको कॉन्टैक्ट करना है तो आप उनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड्स अ वेरी गुड सर्विस, और इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज आपको मार्केट में मिल जाएंगे, आपको उनको कॉन्टैक्ट करना है तो आप उनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अर्बन क्लैब में जा सकते हैं, आप जस्टाइल से बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और पेस्ट कंट्रोल रिलेटेड कंपनीज आप चाहते हो तो मैं उनको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो दीज आर ऑल फॉर बॉम्बे लोकेशन, ये सब बॉम्बे के लोकेशन में काम करते हैं। आप बाहर के लिए पूछोगे तो आई एम सॉरी, मुझे इतना पता नहीं है, बट येस आई थिंक बाहर भी आपको अर्बन क्लैब तो जरूर मिलेगा। बाकी लोगों का, बाकी एरियाज का आई डोंट हैव दैट मच नॉलेज, और आई थिंक अदर देन मेट्रो सिटीज छोटी शहरों में छोटी जगहों पे शायद ये सर्विस आपको ना मिले। आप फाइंड आउट कर सकते हो, आप गूगल कर सकते हो, बट आई एम सॉरी मुझे नहीं लगता कि इतना डेवलप ये चीज़ वहाँ पे होगा। होगा और मिलता होगा तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको बहुत आसानी से आपका घर साफ हो जाएगा। नहीं होता है तो सॉरी, आपको अपने पहले वीडियो में सारी इंस्ट्रक्शंस देख के फॉलो करके आपको अपना घर खुद ही साफ करना पड़ेगा। सो दिस वॉज द डिटेल्स अबाउट द थर्ड पार्टी, आपके घर में आके आपको घर क्लीन करके देगी और आपको बेझिझक रहना है, मस्त क्लीनिंग हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना घर डेकोर करना है, मस्त लाइटिंग करनी है और खुश रहना है। सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल हो, आपके काम आए और आप का घर जल्दी से जल्दी साफ हो जाए, बिकॉज आगे चल के हमको करनी है दिवाली का डेकोरेशन। तो बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, सो फटाफट अपने घर को साफ कीजिए ताकि हम आगे देखेंगे दिवाली डेकोरेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, नमस्ते।